मनीष कश्यप का पिछले दिनों दो लड़के ने टैटू बनवाया था अपने बॉडी पे और मनीष कश्यप झट से उन्हें फ़ोन करके उन्हें बुला लिया और उनसे मिल लिए। लेकिन रोहित गोपालगंज का है, उनका एक दृश्य इतना सुंदर बना दिया, शायद फोटो भी खींचा जाए तो फोटो भी इस चित्र के सामने शर्मा जाए। मनीष का सबसे कम इसमें सोनू सूद का भी बना है, खान सर का भी बना है, अमिताभ बच्चन का भी बना है, मैथिली ठाकुर का भी बना है, लेकिन मनीष कश्यप से ही आपको क्यों मिलना है? बस ऐसे ही मिलना है जैसे उनको उनके चैनल पर मुझे एक बार आना। पत्रकार है मनीष कश्यप, पत्रकार हम कम सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा कहेंगे, इसलिए ज्यादा कहेंगे क्योंकि मनीष कश्यप से उन सभी लोगों को उम्मीद रहता है कि मनीष कश्यप हमारों खबरों को एक बार उठा दे, हमारी बातों को एक बार सुन ले, बस मेरा उद्धार हो जाए। अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता है तो सबसे पहले वहां के पुलिस को फोन करके ना, थाना को फोन करके ना, एसपी डीएम को फोन ना करके सबसे पहले मनीष कश्यप के स्वस्थ के फाउंडर को फोन किया जाता है कि हमारे साथ यह घटना हुई है या मेरे गांव में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में ऐसा टैलेंट बसता है, एक बार आप मनीष कश्यप आकर इन्हें देख लीजिए। मनीष कश्यप तो सभी से मिल लेते हैं? नहीं नहीं मिले, शायद हमारा उन तक फोटो नहीं गया जो बना है। बस आप अपने मोबाइल में देखते होंगे और कोई सभी स्टूडेंट इनको सामने फेस टू फेस देखते होंगे तो शायद ऐसा ही खान सर है जो कि खान सर का चित्र इस पन्ने पे रोहित ने उतार दिया है। तो बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, आप जब जिस घर में जाएंगे तो बिहार के युवाओं में एक ना एक प्रतिभा मिल ही जाता है। अभी हम गोपालगंज के बरौली प्रखंड के मोगल बिरैची गांव में है और मोगल बिरैची का एक युवा हमारे साथ है जो एक ऐसा पेंटिंग, ऐसा आर्टिस्ट है जो किसी चलचित्र यानी कोई भी आदमी का चित्र अपने एक पन्ना पे उतार सकते हैं। कहा जाता है कि बिहार के युवाओं अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। फिर से गोपालगंज के युवा ने ऐसा प्रयास कर रहा है, शायद इनके भी किसी पन्नों में इतिहास लिखी जाएगी। इनका नाम रोहित है, गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा नीचे विजुअल दिखाइए, विजुअल देख के ही आप समझ जाएगा कि इस बच्चे में, इस लड़के में, बिहार के युवाओं में, गोपालगंज के युवा में किस प्रकार का हुनर है, किस प्रकार का टैलेंट है, इनके कलाकारी क्या कहती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शाह न्यूज में। जी आप शाह न्यूज का जितने भी दर्शक हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। रोहित कुमार, मैं सबसे पहले आगे मैं चर्चा करूँ आपके बारे में, आपके इस कलाकारी का, हुनरबाज का कुछ दृश्य देखना चाहूँगा। दृश्य अपने हाथों से दिखाइए तो ज़्यादा हमारे दर्शकों को, हमारे भाइयों को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसमें विजुअल दिखाइएगा कि सबसे पहले देख लीजिए मैथिली ठाकुर जी का एक चित्र बनाया गया, इस कलाकारी को क्या नाम देते हैं आप? कलाकारी का जिसे फाइन आर्ट कहते हैं, जिसका रियलिस्टिक ड्राइंग है, ये रियलिस्टिक ड्राइंग है। कलर जी, इसको बनाने में कितना समय लग जाता है? 12 से 16 घंटा। 12 से 16 घंटा एक चित्र को बनाने में इनको समय लगता है। थोड़ा सा और आगे आइए, देखिए मोदी जी हैं, इनको सभी लोग जानते हैं, रियल आर्टिस्ट रोहित है जिनको ड्रॉ किया एक पेपर पे, मोदी जी को हुरूभरू उतार दिया लगता है, मोदी जी यहाँ पे आ गए हैं। अब थोड़ा सा आगे आइए, धीरे धीरे मैं इस पूरे कलाकारी को उनको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए कौन है, इनको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। और बगल में जो है बिहार के एक ऐसे युवा है जिनको शायद बिहार का कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा, जिनका नाम है मनीष कश्यप, स्वस्थ तक के पत्रकार हैं। और मैं और थोड़ा सा ड्राइंग इनका देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ड्राइंग एक पे एक है जिनका कोई जवाब आप नहीं दे सकते हैं, देख सकते हैं। खान सर हैं, भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षकों में आते हैं, जिनको बिहार का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि खान सर को नहीं जानता होगा। अब हम आते हैं इन पे, थोड़ा सा आपको हम बताइए, आप बताइए कि यह कलाकारी सीखने में, चित्र बनाने में कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई की है? कहीं से नहीं, खुद से किया। खुद से किया, यानी कि खुद से प्रैक्टिस करके ऐसा कलाकारी, ऐसा रियल आर्टिस्ट बना देते हैं? जी जी खुद से करते हैं, खुद से बनाते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, इतने कलाकार, इतने बड़े बड़े हस्तियों का आपने चित्र बनाया है, मनीष कश्यप का बनाया, और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं तो खान सर का पूरा, जिस तरह से आप अपने मोबाइल में देखते होंगे और कोई से भी स्टूडेंट इनको सामने फेस टू फेस देखते होंगे तो शायद ऐसा ही खान सर है जो कि खान सर का चित्र इस पन्ने पे रोहित ने उतार दिया है। एक चित्र का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये बताइए कि इन जितने जितने महान हस्तियों का आपने पिक्चर बनाया, कोई हस्ती आपसे मिलने आया, किसी प्रकार कोई कॉन्टेक्ट हुआ आपसे? कोई कोई नहीं। कोई नहीं जी। मनीष कश्यप तो सभी से मिल लेते हैं? नहीं नहीं मिले, शायद हमारा उन तक फोटो नहीं गया नहीं जो बना है जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीष कश्यप ऐसे पत्रकार है जो ऐसे हुनरबाज को, ऐसे कलाकार को जो कोई अभाव में जीता तो उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन रोहित गोपालगंज का है, बरौली प्रखंड इनका घर पड़ता है, मोगल बिरैची गाँव है, लेकिन यह जो इतने सुंदर दृश्य बनाए हैं मनीष कश्यप जी का, यहाँ पर लिखा है रियल आर्टिस्ट रोहित,
इनके द्वारा ड्रॉ किया गया है। इस दृश्य को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर किस तरह का हुनर है, कितना टैलेंट है। लेकिन शायद रोहित बता रहे हैं, मनीष कश्यप का फोटो रोहित के द्वारा बनाया गया, मनीष कश्यप के पास अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं तो यह थोड़ा सा मुझे कहने में आश्चर्य हो रहा है कि जब कोई टैटू बनवा लेता है तो पिछले दिनों आप देखे होंगे कि एक लड़की थी जो खेसारी लाल का टैटू बनवा लिए थे, वो किसे मैं हुनर नहीं कहूँगा, टैटू बनाने वाले को हुनरबाज कहूँगा, लेकिन कोई अपने शरीर पर किसी अंग पर टैटू बनवा ले तो उसको मैं हुनर नहीं कहूँगा। लेकिन फिर भी उन्हें खेसारी लाल इस अहदे पर पहुँचा दिए, शायद उस अहदे के लायक वो लड़की नहीं थी। हम अब आते हैं मनीष कश्यप जी पे। मनीष कश्यप का पिछले दिनों दो लड़के ने टैटू बनवाया था अपने बॉडी पे, और मनीष कश्यप झट से उन्हें फ़ोन करके उन्हें बुला लिया और उनसे मिल लिए। लेकिन रोहित गोपालगंज का है, उनका एक दृश्य इतना सुंदर बना दिया, शायद फोटो भी खींचा जाए तो फोटो भी इस चित्र के सामने शर्मा जाए। लेकिन अभी तक मनीष कश्यप के पास यह फोटो नहीं पहुंचा। अच्छा एक बात बताइए, यह फोटो मनीष कश्यप जी का कब बनाए थे आप? लगभग 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने हो गए। आप ये भी बता रहे हैं कि ये फोटो जितने भी ड्राइंग करते हैं, रियल आर्टिस्ट बनाते हैं आप, तो उनको आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं, तो क्या उनको टैग किए थे? जी जी टैग किए थे। टैग किए थे जी। क्या उनके पास अभी नहीं पहुँचा? नहीं सर। इसी प्रकार नहीं पहुँचा ना, इसीलिए आपसे नहीं मिल लिया। देखिए आप क्या मांग करते हैं, मनीष कश्यप जी ऐसे पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं कहेंगे, सोशल एक्टिविस्ट कहेंगे, सामाजिक उद्धारक कहेंगे, सामाजिक काम करते हैं, समाज के नाते उनको ज़्यादा जाना जाता है। अब क्या चाहेंगे कि मनीष का सबसे मिलना चाहेंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहते हैं। मनीष का सबसे कम, इसमें सोनू सूद का भी बना है, खान सर का भी बना है, अमिताभ बच्चन का भी बना है, मैथिली ठाकुर का भी बना है, लेकिन मनीष कश्यप से ही आपको क्यों मिलना है? बस ऐसे ही मिलना है, जैसे उनको उनके चैनल पर मुझे एक बार आना है। चैनल पर आना है? जी, जी। क्या उम्मीद है चैनल पर आने की? जैसे वायरल तेजी से हो जाएंगे, हो सकते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार के ऐसे टैलेंट को, ऐसे हुनर को हमको बढ़ावा देना है। अगर इनका मानना है कि मनीष कश्यप के सस्तक चैनल पर हम एक बार आ जाए तो शायद मेरा आर्टिस्ट, मेरा हुनर, मेरा टैलेंट लोगों को दिख जाए तो मेरा शायद बढ़ावा हो सकता है, मेरा उद्धार हो सकता है। अच्छा अगर इस माध्यम से, अगर इस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप आपके वीडियो को देखेंगे तो मनीष कश्यप को आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक बार भेंट करना चाहते हैं उनसे, मिलना चाहते हैं। जी जी देखिए इन रोहित का मैं शब्दों में मैं भी कहना चाहूँगा, सस्तक के पत्रकार हैं मनीष कश्यप, पत्रकार हम कम, सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा कहेंगे, इसलिए ज़्यादा कहेंगे क्योंकि मनीष कश्यप से उन सभी लोगों को उम्मीद रहता है कि मनीष कश्यप हमारों खबरों को एक बार उठा दें, हमारी बातों को एक बार सुन ले, बस मेरा उद्धार हो जाए। अगर किसी प्रकार का कोई घटना होता है तो सबसे पहले वहाँ के पुलिस को फ़ोन करके ना, थाना को फ़ोन करके ना, SP DM को फ़ोन न करके सबसे पहले मनीष कश्यप के सस्तक के फाउंडर को फ़ोन किया जाता है कि हमारे साथ यह घटना हुई है, या मेरे गांव में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में ऐसा टैलेंट बसता है, एक बार आप मनीष कश्यप आकर इन्हें देख लीजिए। बस रोहित का यही भी पुकार, क्या आप यही कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल सही है नाम, जितना बड़ा सही है ना। जी जी बिल्कुल। देखिए मनीष कश्यप पर शायद इस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप का के पास या कलाकार या हुनर या टैलेंट पहुंच जाए तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मनीष कश्यप टैटू बनाने वाले लड़कों को मिले, उनके साथ एक वीडियो भी बनाए, उनको हौसला भी बढ़ाए और उम्मीद भी किए कि इन बच्चों के साथ हम खड़ा रहेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी होगी तो हम उसके समक्ष हम खड़ा रहेंगे। लेकिन रोहित तो इतना बड़ा काम करता है, रोहित क्या आप इसी कलाकारी पे डिपेंड है कि और काम भी करते हैं? और काम करते हैं, जैसे दुकान है वहीं पे सब करते हैं। इसके बाद कोई और आपका कोई जॉब दुकान के बाद? कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही करते हैं। आगे आपको यही आर्टिस्ट का वाला काम ही करना है कि कुछ और करना है? यही करना है। देखिए मैं कह रहा था ना कि यही काम करना है, और मनीष का सबसे उम्मीद है, जितने भी लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी है, उन सभी से उम्मीद है कि एक बार इनकी कलाकारी आपके चैनल, आपके पोर्टल पे आ जाए तो इस रोहित का उद्धार हो जाएगा। और सिर्फ इस फाइल में अमिताभ बच्चन का भी फोटो बना हुआ है, आप शुरू में देखें, नरेंद्र मोदी जी का भी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के पास तो इनका कलाकारी और शायद मेरा वीडियो नहीं पहुँचे, मैथिली ठाकुर के पास भी पहुँच जाए। लेकिन और मैं दिखा दूँ यहाँ पर, एक बहुत सारे तस्वीर बनाने के बाद एक तस्वीर पे इनका उम्मीद टिक जाता है, जो है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के चित्र पे जाकर इनका उम्मीद टिक जाता है, और मनीष कश्यप का चित्र बनाने का सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद रहा होगा कि मनीष कश्यप का चित्र बनाते हैं, शायद मनीष कश्यप के पास मेरा ड्राइंग, रियल आर्टिस्ट जिसको बोल रहे हैं, वो पहुँच जाए तो रोहित का उद्धार हो जाए।
तो मनीष कश्यप जी और संस्थ के सभी टीमों से मैं अनुरोध करूंगा कि गोपालगंज के रोहित का एक बार गुहार सुनिए और रोहित को बढ़ावा दीजिए। ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा कलाकार, ऐसा हुनरबाज हमारे बिहार में ही बसते हैं और बिहार के सभी हुनरबाज और सभी आगे बढ़ने वाले लोगों को मनीष कश्यप शायद बढ़ावा देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस रोहित को भी, गोपालगंज के रोहित को भी बढ़ावा देंगे और एक बार इस पिक्चर को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करेंगे, शायद इस रोहित का उद्धार हो जाए। क्या इस पिक्चर को बनाने के लिए, इस चित्र को बनाने के लिए आप किसी प्रकार का कोई चार्ज भी करते हैं? नहीं, ये चार्ज जो पेड वर्क होता है लोगों का, उनका चार्ज करते हैं। यानी कि कोई चाहे आपसे कोई अपना चित्र बनवाना, रियल आर्टिस्ट बनवाना, ड्रॉ करवाना, तो आपसे संपर्क करके बनवा सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। जी, तो कह भी सकते हैं कि इसी जॉब पे डिपेंड है, तो बिना पैसे का कोई काम करे तो क्या होगा, कुछ इनका जीवन नहीं चल पाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा मनीष कश्यप से, सस्ता के सभी टीम के माध्यम से, टीम को, कि रोहित का एक बार आवाज सुनिए, रोहित के हुनर को समझिए और इनको बढ़ावा दीजिए। बाकी आप शाह न्यूज देख रहे थे, इनके कलाकारी को, इनके हुनर को आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय देकर बता सकते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मनीष कश्यप के पास पहुंचे। बाकी आप वो शाह न्यूज देख रहे थे। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद।